नमस्कार दोस्तों, साइंस सॉल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुभाष सर। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं डीएपी फर्टिलाइजर के बारे में। डीएपी उर्वरक क्या होता है, क्या इसका कंटेंस है, इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, कितने परसेंट पाए जाते हैं, राइट, क्या इसका केमिकल फार्मूला है, केमिकल नेम है, और क्यों यह हमारे किसान भाइयों द्वारा बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल है। तो लेट अस स्टार्ट डीएपी। क्लियर? तो डीएपी इज स्टैंड फॉर डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म दोस्तों डाई अमोनियम फॉस्फेट है, राइट। और जो केमिकल फॉर्मूला होता है इसका, तो NH4 का होल ट्वाइस और HPO4। तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डीएपी एंड केमिकल नेम इज डाई अमोनियम फॉस्फेट। क्लियर? अब दोस्तों, ये तो डीएपी फर्टिलाइजर है, ये इसमें जो कंटेंट्स होता है, तो इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो 18%, 18% नाइट्रोजन, और फास्फोरस होता है 46%, 46% ये फास्फोरस का मिक्सचर होता है। तो चूंकि इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों कंबाइन मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट उर्वरक है किसान भाइयों का, राइट। तो जब सीडिंग होती है, सोइंग, यानी जब बीज बोए जाते हैं, जैसे गेहूं का सीजन चल रहा है या कोई भी धान की फसल उगानी है, आलू बोना है, तो जब फसलों की बुआई होती है उस समय इसका बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक साथ मिलते हैं और प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने देखा ना हो तो देख लें, ध्यान दें, ये है हाथ में हमारे, देखिए ये है आपका डीएपी उर्वरक, राइट। और अगर इसका दूसरा फायदा क्या है कि जब इसको हम पानी में डालते हैं, तो पानी में डालने पर इसका 39.5% डिजॉल्व हो जाता है। देखो आप इसमें सफेद सफेद, ये तुरंत डिजॉल्वेशन शुरू हो गया, देखिए, देख रहे हैं ना, उर्वरक को डालते ही सफेद सफेद, देखिए ये डिजॉल्व होता है, देखिए ध्यान से देखें, राइट। तो इस तरह से तुरंत ही डिजॉल्व होके जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर चली जाती है, और जो हमारे फसल्स हैं उनको काफी देर तक, देर समय तक ये पोषक तत्व प्रदान करती रहती है, और इसलिए यह जो है बहुत ही ज्यादा उपयोगी खाद है किसान भाइयों के लिए, ठीक है। और इसका जो पैकेट आता है कुछ इस तरह से मार्केट में आता है, देखें आप, ये डीएपी का पैकेट है, इफको कंपनी का है, तो डीएपी का पैकेट है, इस पर भी आपको लिखा हुआ है, देखिए 18:46:0, यानी 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस की मात्रा इसमें पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से डीएपी एक बहुत ही उपयोगी उर्वरक है, जो फास्फेट, फास्फोरस और नाइट्रोजन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, और खाद के रूप में हमारे किसान भाइयों द्वारा बहुत आयत इसका प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जो जानकारी दी गई वो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दें, जिससे आपके समस्त नोटिफिकेशन हमारे चैनल के मिलते रहें, और इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।